हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रैप स्टडीज एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का चैप्टर फोर्थ। एंड इसमें हम एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम विंड्स डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर डिस्कस करेंगे, वेदर डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट डिस्कस करेंगे, प्लस उनकी लेयर्स, कॉम्पोजिशन, ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। एंड ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आपको वर्ड से पता लग रहा है कि इसमें कुछ एक चीज़ है वो गर्म हो रही है। एंड इसमें जो हमारा जो अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो गर्म हो रहा है। इसका जो मेन रीज़न रहता है वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एक जो और जो कार्बन डाइऑक्साइड से अलावा भी कुछ एक गैसेस होती है, उस वो हमारे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर रही हैं। एंड कैसे करती है गर्म, ये मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये है हमारा अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जो हमारे जो हीट रेडिएट करता है, सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये जो हीट रेडिएट होती है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। और इनको कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। एंड कुछ एक और भी गैसेस होती है, फॉर एग्जांपल मीथेन हो गई और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, HFCs हो गए, ये सब हमारे जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर रही हैं और ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। एंड जैसे जैसे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, प्लस ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो ये फैक्ट्री के जो कुछ स्मोक होता है और कार के जो फ्यूम्स होते हैं, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें और CO2 ऐड हो रही है इसकी वजह से। एंड अगर ज़्यादा CO2 ऐड होगी तो हमारे जो CO2 है वो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी और इससे हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा गर्म होगा। सो इसकी वजह से हमारा जो ये फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना है, वो अपीयर होता जा रहा है और जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो गर्म होती जा रही है। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ एक जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और ओजोन इन लोअर एटमोसफेयर। ये सब जो गैसेस होती हैं ये आपका ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करती है। तो अब ये देख लेते हैं कि जो हमारा जो एटमोसफेयर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारे जो किन किन गैसों से लेकर बना है। सो फॉर एग्जाम्पल सबसे जो फर्स्ट नंबर पर जो आती है, जिसकी जो कॉम्पोजिशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है, वो है नाइट्रोजन, जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है अराउंड 78%। एंड सेकेंड नंबर पर आती है ऑक्सीजन, जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 21%। एंड थर्ड नंबर पर है आर्गन, जो कि है 0.93%, और जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके बारे में हमने अभी बात की थी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है अराउंड 0.03%। एंड कुछ एक और गैसेस भी हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो है अराउंड 0.04%। सो दोस्तों, अब नया टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, वो है विंड। विंड होती है आपका मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड अब देख लेते हैं कि ये जो हमने बात की है, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, ये होते क्या है वैसे। सो जो अर्थ, मान लो ये आपकी एक एयर है, ठीक है, एयर का एक कॉलम है, यहाँ पर इसके पार्टिकल्स हैं ये। फॉर एग्जांपल सो इनके जो पार्टिकल का जो वेट है वो आपके प्रेशर एग्जर्ट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो इसको कहा जाता है एयर प्रेशर, ठीक है। सो अगर ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो कहा जाएगा हाई एयर प्रेशर या फिर हाई प्रेशर। एंड अगर ये लो प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो इसको कहा जाएगा लो प्रेशर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। सो एक हम हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अर्थ सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ एक एयर है, मतलब यहाँ पर एयर है, एयर का एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इसके पार्टिकल्स होंगे, इनको ये गर्म होएंगे और गर्म होने की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी और ये क्या करेगी, जो एयर होगी ये राइज करेगी, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं मूव करने लगेंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव करने लगेंगे और
एयर है वो राइज करेगी, और अगर ये एयर यहाँ से राइज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का जो स्पेस है वो यहाँ पर वेकेंट हो गया है या फिर यहाँ पर है नहीं। सो इसके जो सराउंडिंग की जो एयर होगी वो कोशिश करेगी कि ये जो यहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है इसको, मतलब स्पेस वेकेंट हुआ है इसको ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है। सो ये क्या करेगी, जो एयर होगी यहाँ से मूव करना लगेगी, ठीक है। और इस मूवमेंट को कहा जाता है विंड, और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होने की वजह से विंड थी वो मूव करने लग गई थी, ठीक है। और जिसकी वजह से ये जो प्रेशर था अर्थ सरफेस के ऊपर वो कम एग्जर्ट कर पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंडीशन क्रिएट हुई थी वो थी लो प्रेशर की कंडीशन, और यहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। सो यहाँ पर थी हाई प्रेशर की कंडीशन। सो विंड इज द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इतना समझ आ गया आपको? सो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन जैसा कि हमको पता है कि जो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, ना तो इनके पास अपनी हीट होती है ना तो इनके पास ये लाइट होती है। सो मोस्टली जो अपनी जो हीट और लाइट होती है ये आपके जो नियर बाय जो स्टार होता है उनसे ले रहे होते हैं। सो हमारा जो नियर बाय स्टार है वो है आप हमारा सन। सो हमें जो एनर्जी मिल रही होती है वो मिल रही होती है सन से, और जो इनकमिंग सोलर एनर्जी जो हमारा जो अर्थ एक्सेप्ट करता है या फिर लेता है उसको कहा जाता है इंसुलेशन, ठीक है। और ये जो इंसुलेशन है जिसको सनलाइट भी कह सकते हो आप, और सन एनर्जी वो हमें मिल रही होती है सन से, ठीक है। और जब ये अर्थ पे पड़ रही होती है तो उसको कहा जाता है इंसुलेशन। और ये जो डिक्रीज या फिर आप कह सकते हो कि हमारी जो इंसुलेशन है ये डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, एंड इसके पीछे मेन रीजन मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये है सन यहाँ पर, ठीक है, और ये है अर्थ, ठीक है, और ये है इक्वेटर, ठीक है, और ये है पोल्स, और ये हो गए पोल्स, ठीक है, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर जैसे आपको पता है 0 डिग्री होता है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखोगे आप कि सन की जो रेज होगी वो इसके ऊपर डायरेक्टली फॉल कर रही है, ठीक है, मतलब ओवरहेड फॉल कर रही है इक्वेटर के ऊपर। बट वहीं पर अगर आप पोल्स की बात करोगे तो अगर जब यहाँ से रेज जाएगी तो वो स्लांटिंग जाएगी, जिसकी वजह से जो इसकी जो इंटेंसिटी होगी, सन रेज की जो इंटेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, और जिसकी वजह से यही मेन रीजन रहता है कि इंसोलेशन होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ठीक है। दोस्तों इतना समझ आ गया आपको। और टेम्परेचर डिस्कस कर लेते हैं कि हमें जो टेम्परेचर जो मेजर टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसका नाम है डिग्री सेल्सियस, जो कि इन्वेंट की गई थी एंडर सेल्सियस के द्वारा। और हमारा जो वाटर है वो फ्रीज होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड जो बॉयल होता है वो होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर टेम्परेचर की बात करें हम तो सब तो जो टेम्परेचर होता है वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस या कोल्डनेस को कहा जाता है टेम्परेचर, मतलब कि कोई जो सब्सटेंस है वो कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है उसको कहा जाएगा उसको कहा जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। सो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है डिग्री सेल्सियस, एंड इसको इन्वेंट किया गया था एंडर सेल्सियस, एंड बाकी ये वाली लाइन हमने पहले डिस्कस कर ली। एंड फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक है या फिर ये जो पॉइंट है एयर प्रेशर वाला पॉइंट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो एयर का जो कोई कॉलम होता है उसका जो ये जो एयर जो कॉलम होता है ये कितना वेट एग्जर्ट करता है अर्थ सरफेस के ऊपर, उसको कहा जाता है एयर प्रेशर, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो एयर प्रेशर रहता है वो रहता है अराउंड 760 mm और 29.92 inches ऑफ मरकरी। और वर्टिकली अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सो वर्टिकली अगर हम बात करें वर्टिकली कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल होता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्टिकली मतलब क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ क्या, इसका क्या मतलब। सो आपको पता है कि सबसे जो सी लेवल होता है और इसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट जो हाइट्स होती है इसको कहा जाता है ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। और जो सी लेवल होता है हमारा मेजर करते हैं ये एक
रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, जिसके थ्रू हम जो सारे जो पॉइंट्स होते हैं उसकी हाइट को मेजर करते हैं, मतलब देखते हैं कि ये इस पॉइंट से, मतलब इन रेफरेंस टू सी पॉइंट, सी लेवल के रेफरेंस में हम सबका हाइट देखते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। सो जो सी लेवल पे होता है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है एयर प्रेशर, वो होता है सी लेवल के ऊपर। एंड सबसे इसका जो मेन रीजन रहता है वो रहता है कि हमारे जो गैसेस होती हैं वो आपके लोअर लेवल ऑफ एटमोसफेयर के मतलब लोअर लेवल पे होती है एटमोसफेयर के। एंड जो जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती जाती है, जो गैसेस की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी डिक्रीज होती रहती है। और जिसकी वजह से अगर यहाँ पर गैसेस जो की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी तो ये कम एयर प्रेशर एग्जर्ट करेगी अर्थ सरफेस के ऊपर। वहीं पर अगर यहाँ पर जो एयर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी तो ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी। सो यही रीजन रहता है कि मैक्सिमम जो एयर प्रेशर होता है वो रहता है आपका सी लेवल के ऊपर, और जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है हमारा जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहता है। एंड इसका पॉइंट मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इक्वेटोरियल हैव लो प्रेशर्स एंड पोल हैव हाई प्रेशर। इसका मेन रीजन ये रहता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ये फॉर एग्जाम्पल ये है सन और ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और ये है इक्वेटर 0 डिग्री, और ये है हमारे पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, इतना आपको समझ आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सनरेज होगी वो डायरेक्टली करेगी इसके ऊपर फॉल, जिसकी वजह से, और यहाँ की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो मतलब ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोल्स, क्योंकि पोल्स के ऊपर जो सनरेज पड़ रही है वो पड़ रही है स्लांटिंग में, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो अर्थ सरफेस के जो नियर की जो एयर होगी वो गर्म होगी, जिसकी वजह से वो राइज करने लगेगी। जब राइज करने लगेगी वो फैलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कम प्रेशर एग्जर्ट करती है अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। सो इसी की वजह से यहाँ पर जो रहता है वो रहता है लो प्रेशर। एंड वहीं पर जो पोल्स होते हैं यहाँ पर आपके जो टेम्परेचर होता है वो काफी लो होता है, जिसकी वजह से एयर होती है वो कंडेंस करना स्टार्ट करती है। कंडेंस करेगी तो वो नीचे की तरफ को आएगी थोड़ा सा, और जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रेशर होगी वो एग्जर्ट करेगी अर्थ सरफेस के ऊपर। और यही मेन रीजन रहता है कि पोल्स के ऊपर जो एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। और यही इस पैराग्राफ में समझाया गया है पूरा, इसका जो पूरी समरी है वो यही रहेगी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पहले वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लिया अभी 2 स्लाइड पीछे, अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल आपको पता है इस तरीके से होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, सो यहाँ की जो एयर होगी वो गर्म होगी, जिसकी वजह से ये राइज करेगी। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई, मतलब स्पेस यहाँ पर वेकेंट हो जाएगा, और सराउंडिंग जो एयर वो कोशिश करेगी इस जो स्पेस को फिल करने की, जिसकी वजह से यहाँ पर चलेगी विंड। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका ये लेड करता है विंड फिनोमिनन में, ठीक है, और ये मोस्टली डिपेंड करता है ऊपर टेम्परेचर के ऊपर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो एयर है वो अर्थ सरफेस के ऊपर एयर प्रेशर, मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, सो जो ये एयर का जो कॉलम होगा ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस बंदे के ऊपर, ठीक है। सो अगर ये प्रेशर आपके ऊपर एग्जर्ट करता है तो हमारे जो बॉडी में जो कुछ बॉडी का जो प्रेशर होता है वो भी प्रेशर काउंटर बैलेंस करते हैं, ये जो एयर प्रेशर होता है इसको काउंटर बैलेंस करती है हमारी जो बॉडी का जो प्रेशर होता है इसको, ठीक है। बट जो मून होता है यहाँ पर कोई एयर नहीं होती है, ठीक है, अगर यहाँ पर एयर नहीं है तो यहाँ पर कोई एयर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अगर यहाँ पर कोई एयर प्रेशर नहीं है मून के एटमोसफेयर में
तो जो हमारे जो बॉडी का जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, वो आउटफ्लो कर देगा और जिसकी वजह से हमारी जो वेसल्स होगी वो फटने लगेगी, ठीक है। बट इसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जब मून के ऊपर जाते हैं तो अपने जो सूट होता है उसमें क्या करते हैं, एयर ले जाते हैं ताकि हमारे जो बॉडी का जो प्रेशर है वो इस एयर के जो प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर सके, मतलब सूट के अंदर जो एयर है उसको काउंटर बैलेंस कर सके। सो यही इसका मतलब इस वाली लाइन का, ठीक है। और विंड, विंड को हमारा जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ऑन डायरेक्शन, मतलब कि जहां से भी जिस डायरेक्शन से ये ओरिजिनेट कर रही होती है उसके नाम पर इसको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर वेस्ट से ओरिजिनेट कर रही है सो इसको नाम दिया जाएगा वेस्टर्लीज, अगर ये ईस्ट से ओरिजिनेट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये तो ईस्ट से ओरिजिनेट कर रही थी सो इसको कह सकते हैं हम ईस्टर्लीज, एंड अगर ये वेस्ट से ओरिजिनेट कर रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है तो इसको नाम दे देंगे हम वेस्टर्लीज। सो विंड का जो नाम पड़ता है वो पड़ता है ऑन बेसिस ऑफ वेयर डायरेक्शन की, मतलब कौन से डायरेक्शन से ये ओरिजिनेट कर रही है या फिर फ्लो कर रही है। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप हमारा जो ग्लोब एंड वेस्टर्लीज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। वेस्टर्लीज मतलब ये जो विंड है ये वेस्ट से ब्लो कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ से देख सकते हो, ये इनको कहा जाएगा वेस्टर्लीज। एंड जो कुछ एक जो विंड होती है वो ईस्ट से ब्लो कर रही होती है सो इनको कहा जाता है ईस्टर्ली। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी, ये ईस्ट से ब्लो कर रही है सो इनका नाम पड़ा है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। एंड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था वर्टिकल जब डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे सो हमने उसमें देखा था कि इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है और पोल्स के ऊपर होता है हाई प्रेशर, ठीक है। अब जनरली रहता है कि हाई प्रेशर से विंड जो मूव करती है वो रहती है यूं करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। बट इस केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एंड जब आपकी नई क्लासेस आएगी, मतलब कुछ जैसे हम फर्दर फर्दर क्लासेस में जाएंगे सो हम उसमें देखेंगे कि पूरा एक मैं आपको पूरा ये डायग्राम बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ एक जो लेयर्स होती है ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, इसको कहा जाता है सब पोलार लो और इसको कहा जाता है पोलर पोलर हाई प्रेशर, ठीक है। और यहीं पर सेम आपका साउथ में भी चलेगा ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था आपका, ये तो आपका ट्रॉपिक्स थे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। और इसके पास यहाँ पर वो होगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और ये है आपका सब पोलार लो और यहाँ पर है पोलार हाई, ठीक है। इतना समझ आ गया। एंड ये जो पूरा जो कैसे बनते हैं ये सब कुछ हम ये जो नेक्स्ट जो क्लासेस रहेगी, फॉर एग्जांपल ये आपका 11th का टॉपिक है सो 11th क्लास का टॉपिक है, ये कैसे जनरेट होती है हम ये सब उन्हीं में डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर ये हाई प्रेशर है, ठीक है। और मैं एक बार थोड़ा सा इसको रब कर लेता ताकि आपको एक बेटर सा व्यू मिल सके। सो फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं एक अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर था इक्वेटर, इसको यहाँ पर मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम कर रहे थे सो इसका नाम पड़ा था, यहाँ पर लो प्रेशर होता है सो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर ये पोल्स है, पोल्स में आपका हाई प्रेशर होता है तो इसको नाम पड़ेगा पोलार हाई। और यहां पर भी सेम रहेगा पोलार हाई। एंड यहां पर दो और होती है, इसको कहते हैं हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। और इसका नाम रहता है सब पोलार लो।
और सेम ही केस रहेगा आपका साउथ में भी, इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई। और यहां पर रहेगा सब पोलार लो। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि विंड मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में विंड जो मूव करती है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो विंड मूव करेगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब आप देखोगे कि विंड यहीं से ही क्यों मूव कर रही है, यहां से क्यों नहीं मूव कर रही है, एंड इसका मेन रीजन रहता है वो रहता है कि इसकी जो मेन जो फोर्स रहती है वो उसके पीछे रहती है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स ये क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ये डिफ्लेक्ट करती है विंड को साउथ की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सो यही रीजन रहता है कि ये जो विंड मूव करती है ये इस तरफ को मूव करती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बोला कि विंड जहां से ओरिजिनेट होती है उसके नाम पर उसका नाम पड़ता है। सो यहां पर देखोगे कि आप नॉर्थ में कर रही है और ये ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, सो इसका नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये होगी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, और ये है यहां पर इसका एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, और ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई। इतना आपको समझ आ गया। आप देखोगे आप यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, सो जनरली से आपका जनरली आपको रहता है कि विंड जो मूव करेगी वो मतलब वो करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। सो यहां से विंड मूव करेगी, अब मैंने पहले बोला कि ये राइट की तरफ मूव करेगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सो विंड करेगी इस तरफ को, यहां पर यहां पर यहां पर, ठीक है, और आप देख रहे हो यहां पर जो विंड मूव कर रही है आ रही है फ्रॉम वेस्टर्लीज, मतलब वेस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं, सो इसका नाम पड़ गया वेस्टर्लीज। ठीक है, और ये है आपका पोलर हाई, पोलर हाई में देखोगे आप हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है विंड। सो आप देखोगे जैसे कि यहां पर ये बन रहा है वैसे ही यहां पर बनेगा, और इसको नाम पड़ा जाएगा ईस्टर्लीज। और ये जो सेल वगैरह है ये सब हम प्लस वन की क्लास में देखेंगे, ये भी सेवन्थ की क्लास के लिए काफी ज्यादा मतलब बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा। सो इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। सो विंड जो है वो आपको फर्दर कैटेगराइज हुई है आपके तीन पार्ट्स में, इसमें है परमानेंट विंड्स, सेकंड है सीजनल विंड्स, एंड थर्ड है लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स जो हमने अभी डिस्कस की ये आपके पूरे साल में चलती है, और इनको नाम दिया गया है ट्रेड विंड्स जो कि हमने पहले कर दी थी, जैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड देखी थी हमने, फिर वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ये है आपके परमानेंट विंड्स, एंड सेकेंड है आपकी वो है सीजनल विंड्स जो आपके पर्टिकुलर सीजन में आती है, और विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट सीजन में, एंड इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है मॉनसून। एंड जो थर्ड है वो है आपके लोकल विंड्स। लोकल विंड्स में मतलब कि अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में देखूँ तो वो विंड्स जो आपके किसी पर्टिकुलर टाइम में और या पर्टिकुलर ईयर पे आपकी किसी पर्टिकुलर टाइम के दौरान ही ब्लो करती है उनको कहा जाता है लोकल विंड्स। फॉर एग्जाम्पल फोहान हो गई, लू हो गई, खमसिन हो गई, ये सब जो है वो आपके लोकल विंड्स का एग्जाम्पल है। सो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज ह्यूमिडिटी, एंड अगर इसमें थोड़ा सा हम सिंपल सी लैंग्वेज में लें तो आपके एयर में किसी भी टाइम जो आपकी मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होती है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी एयर, यहाँ पर है थोड़ा सा मॉइस्चर, सो इसको कहा जाता है, जितनी भी यहाँ पर क्वांटिटी होगी उसको कहा जाएगा ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगर जैसे आपका अगर इस एयर का जो टेम्परेचर है यहाँ पर किसी भी कारणवश या फिर टेम्परेचर की वजह से किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पर जो एयर है वो गर्म होती है, ठीक है, सो ये एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल्स इसका एक्सपेंड करेंगे तो
इसमें और जो वाटर होगा या फिर इसका जो एरिया एक्सपेंड होने की वजह से ये मोर वाटर वेपर ये यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकती है, एंड जिसकी वजह से मोर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, एंड जिसकी वजह से ये मोर ह्यूमिड हो जाएगी, ठीक है। सो देख सकते हो आप कि जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ा, एयर एक्सपेंड हुई और जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ गई ताकि ये मोर वाटर वेपर होल्ड कर सके, और जिसकी वजह से ये मोर ह्यूमिड हो गई, ठीक है। एंड जैसे कि आप देखोगे, अब जैसे कि हमने देखा कि किसी भी एयर के कॉलम में आपके वाटर वेपर्स को कहा जाएगा या फिर मॉइस्चर को कहा जाएगा ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड जैसे ही आपके वाटर वेपर है ये राइज करते हैं, ठीक है। अगर ये राइज कर रहे हैं तो आपको पता है कि ज़्यादा जो हाइट्स होती हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। जब ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसके जो वाटर वेपर्स होंगे ये क्या करेंगे, ये कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंडेंस होने लगेंगे तो इसकी वजह से जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स जब क्रिएट होगी सो इससे क्लाउड्स बनते हैं, सो ठीक है। सो क्लाउड्स आर मासेस ऑफ सच ड्रॉपलेट्स, वाटर सच वाटर ड्रॉपलेट्स आर कॉल्ड क्लाउड्स। एंड जब ये आपके इनका जो मास होता है, मतलब इन जो आपके वाटर वेपर्स है इनका जो मास होता है ये आपका इनबेरेबल होता है कि मतलब ये होल्ड नहीं कर पाते, तो ये क्या करते हैं, ये फॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इसी को हमारा नाम दिया जाता है रेन, रेनफॉल, ठीक है। सो सिंपल सा अगर मैं देखूं तो मतलब रेनफॉल क्यों हुई, सो वाटर वेपर राइज हुए, राइट, राइज होने की वजह से जो टेम्परेचर था आपको पता है ज़्यादा हाइट पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो ये वाटर वेपर है कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से आपके क्लाउड फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब क्लाउड का जो मास है या फिर वेट है वो बढ़ जाता है या फिर ये अनबेरेबल हो जाता है, ये इसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फॉल करना स्टार्ट कर देती है, जो ड्रॉपलेट्स होती है फॉल करना स्टार्ट कर देती है, एंड इसी को कहा जाता है रेनफॉल। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। एंड वहीं पर एक थोड़ा सा एग्जांपल ले अगर हम, तो जेट प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स आपने देखा होगा अगर कभी आपने आसमान में ऑब्जर्व किया होगा कि जेट प्लेन्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनके पीछे एक सफेद सफेद जैसी लाइन जैसी चल रही होती है, एंड ये जो लाइन होती है वे बेसिकली क्या होती है, जब जो जेट प्लेन्स मूव कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जेट प्लेन है ये मूव कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, इसके पीछे जो एक मॉइस्चर की वो हो जाती है, मतलब एक लाइन क्रिएट हो जाती है, और ये जो मॉइस्चर होते हैं ये रिलीज होता है इंजन से, ठीक है। और इंजन में रिलीज होने की वजह से जब ये मॉइस्चर रिलीज होता है मतलब इंजन से, सो आपको पता है यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज है, मतलब कम है, जैसे कि आपको पता है हाइट की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, सो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम है, सो इसकी वजह से जब जैसे ही यहाँ से मॉइस्चर जो रिलीज होगा वो ड्रॉपलेट्स में क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ी सी मतलब छोटी छोटी जैसी लाइन जैसी बनेगी, जैसे जैसे आपने सफेद सफेद जैसी लाइन अगर देखी होगी, मतलब लाइन जैसे क्लाउड जैसे लाइन जैसी होगी वैसे वैसे कुछ होगा। सो अब हम रेनफॉल की बात कर लेते हैं कि हमारा जो रेनफॉल होता है वो कितने प्रकार का होता है। सो बेसिकली हम देखें तो तीन प्रकार का होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोजेनिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। इनके बारे में हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उन इसमें एक पिक्चर दी गई है उसमें देख लेते हैं हम कैसे किस तरीके से ये क्रिएट होती है। सो ये जो फर्स्ट जो एग्जांपल है ये है हमारा एग्जांपल कन्वेक्शनल रेनफॉल का, जो कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर तीन टाइप की रेनफॉल होती है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट थी आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकेंड थी ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, थर्ड थी साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है, थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो सूरज यहाँ पर है, ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर फॉल कर रही है, ठीक है, और इसकी वजह से कुछ एक जो मतलब ये ओशन मान लो आप, ओशन में कुछ एक जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे जब, ठीक है, इवेपोरेट हो गए मतलब ये एयर के अंदर आ गए, ठीक है, यहाँ पर। एंड जैसे जैसे ये राइज करेंगे
ये क्या करेंगे, अब आपको पता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप लॉन्गर हाइट्स के ऊपर जाते हो, तो जो ये जो ड्रॉपलेट्स थी वो कंडेंस करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और ये क्लाउड का फॉर्मेशन लेगी। एंड कुछ एक टाइम बाद जब आपको पता है कि ये जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनका जो वेट बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ये अपना जो वेट है वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर होगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये है फर्स्ट एग्जांपल, ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल का। सेकंड वो है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल का। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ एक जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्म हो गए, जैसा कि आपको पता है फॉर्मेशन आपको पता है क्लाउड्स की। सो जैसे आप स्लोप की वजह से जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये अब आपको पता है कि ऑल्टीट्यूड्स में, ज़्यादा ऑल्टीट्यूड्स में जो माउंटेन्स होते हैं वो आपके ज़्यादा ऑल्टीट्यूड्स में होते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होता रहेगा। तो जैसे जैसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाएंगे, सो ये जो ड्रॉपलेट्स होगी ये और मतलब कंडेंस होने लगेगी और ये क्लाउड का फॉर्मेशन लेगी, और कुछ एक बाद जैसा सेम प्रोसीजर यहाँ पर था वो यहीं पर रहेगा, और आप देखोगे कि सिर्फ यहीं पर जो है वो रेनफॉल हो रहा है, इसके जो साइड में है यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। और थर्ड है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था वैसे तो, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कोई हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है लो प्रेशर, यहाँ पर है हाई प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर, अब आपको पता है विंड मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, विंड यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक इस तरीके से मतलब लूप क्रिएट हो जाएगा, सारी सराउंडिंग से आएंगे ना, मतलब हाई प्रेशर से इस जो लो प्रेशर के जो एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से कुछ एक साइक्लोनिक जैसी कंडीशन बनेगी और ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। और जब आपके हाइट पे पहुंचेगा ये, फिर से ये यहाँ पर क्लाउड क्रिएट होंगे और जिसकी वजह से रेनफॉल होगा, ठीक है। सो ये है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल। सो दोस्तों अब देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में कितनी कितनी लेयर्स हैं। एंड इससे पहले कि जो स्लाइड्स थे हमने उसमें कॉम्पोजिशन देख लिया था, एंड अब हम इसमें लेयर्स देखेंगे। सो जो सबसे जो फर्स्ट लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फेयर, जो कि इसकी एवरेज हाइट है वो है अराउंड 13 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके वेदर फिनोमेना है सारे, फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल हो गया, आपके क्लाउड फॉर्मेशन हो गए या फिर स्नोफॉल हो गया, ये सब इसी जो लेयर होते हैं ट्रोपोस्फेयर इसी में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। एंड जो सेकेंड जो लेयर है वो उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और जो कि एक्सटेंड करती है अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना रेन होती है ना यहाँ पर क्लाउड होते हैं, और ये आपके आइडियल कंडीशन रहती है आपका एयरप्लेन फ्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई आपका वेदर फिनोमिना नहीं, ना तो यहाँ पर कोई क्लाउड्स है वगैरह वगैरह। सो इसकी वजह से ये एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करती है फॉर फ्लाइंग। ये है आपकी सेकेंड लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और इस लेयर में आपके ओजोन लेयर भी पाई जाती है। एंड थर्ड जो लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर, जो कि एक्सटेंड करती है अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया है मीटियोरॉइड्स एंड इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अगर आप हमारी वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपने पढ़ लिया होगा कि मीटियोरॉइड्स, मीटियोरॉइड एंड मीटियोर में क्या डिफरेंस होता है। सो जो मीटियोरॉइड्स होते हैं ये बर्न करते हैं इस लेयर में। एंड फोर्थ जो लेयर है वो है थर्मोस्फेयर, जिसका जो एवरेज हाइट रहती है वो रहती है अराउंड 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, एंड जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती जाती है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करता जाता है। एंड आइनोस्फेयर है जो एक लेयर है वो इसी थर्मोस्फेयर की जो लेयर है इसी का एक पार्ट है, और ये जो हेल्प करती है आपके रेडियो ट्रांसमिशन में। एंड नेक्स्ट जो लेयर है फिफ्थ लेयर जिसका नाम है एक्सोस्फेयर, जिसमें बहुत थिन एयर होती है, वेरी थिन एयर। एंड हम डिस्कस कर लेते हैं, आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि, या फिर अगर आप कभी एयर फ्लाइट में मूव कर रहे होंगे या फिर
उसमें बैठे होंगे, तो आपने कभी टर्बुलेंस भी देखा होगा कि टर्बुलेंस आई है। होता क्या है, ये बेसिकली देखते थे कि एक सडन और वायलेंट शिफ्ट होता है जब आपके एयर फ्लो में, उसको कहा जाता है टर्बुलेंस। और इसके जो काफी कॉजेज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल विंड स्टॉर्म हो गया इसका एक कॉज, जेट स्ट्रीम्स हो गया, या फिर कोई अगर आपके प्लेन के नजदीक कोई ऑब्जेक्ट आता है तो फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रेंजेस हो गई, इसकी वजह से भी हमारा जो टर्बुलेंस है वो क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेदर और क्लाइमेट। आपको कई बार कंफ्यूजन भी होता होगा कि जब आप देखते होंगे कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट, वेदर होता है वो डे टू डे बेसिस होता है, ठीक है, डे टू डे बेसिस। एंड जो क्लाइमेट होता है वो एक डे टू डे बेसिस का जो एवरेज लेके बनता है उसको कहा जाता है क्लाइमेट। अब अगर आपको ये भी समझ नहीं आया हो तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि बेसिकली अगर आप बात करें जो वेदर और क्लाइमेट होता है, ये आपके जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैसा टेम्परेचर चल रहा है, कैसी ह्यूमिडिटी है, कैसी प्रेसिपिटेशन है, क्लाउडीनेस कैसी है, विंड कैसी है, इन सबको करता है, डिस्कस करता है वेदर, ठीक है। और ये करता है ऑन डेली बेसिस की, मतलब डेली बेसिस पे जो हमारे जो एटमोसफेयर का जो टेम्परेचर कैसा है, यहाँ की ह्यूमिडिटी कैसी है, यहाँ का विंड कैसे चल रही है, वो सब आता है इस वेदर में, ठीक है। और एंड वहीं पर अगर आप इन सब डे टू डे बेसिस का जो एवरेज लेंगे वो कहलाता है क्लाइमेट। एंड नेक्स्ट जो वो है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है कि किसी भी सब्सटेंस का देखना कि वो कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, उसको कहा जाता है टेम्परेचर। बट अगर जब हम एटमोसफेयर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। एंड हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट, फॉर एग्जांपल जो थर्मामीटर होता है वो आपका मेजर करता है टेम्परेचर को, एंड जो एयर प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसका नाम है बैरोमीटर। एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है रेन गॉज। एंड विंड बेन होता है वो यूज यूज होता है आपका डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ विंड। इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको पता है कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं। एंड ऑक्सीजन जब लेते हैं तो फिर बाद में हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब हम ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। वहीं पर जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और ये ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ठीक है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा देख रहे हो कि पहले जो होता था ये एक बैलेंस बना होता था कि पहले की अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस वाज इक्वल टू अमाउंट ऑफ CO2 टेकन बाय प्लांट्स फॉर फूड्स एंड एनर्जी। पर वहीं पर जैसे जैसे हमने आपकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, फिर पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए उनको सबको लिए हमने क्या किया कि हम फॉरेस्ट को कट करने लगे, एंड ताकि वहां पर एग्रीकल्चर हो सके, वहां पर आपके ह्यूमन सेटलमेंट्स बिल्ड की जा सके, ताकि लोगों की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट हो सके। और इसके चक्कर में हमने क्या किया, हमने फॉरेस्ट कट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपका जो ये बैलेंस था ये हो गया डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से जो आपका जो फिनोमिना था वो राइज हुआ, जिसका नाम था ग्लोबल वार्मिंग। एंड ग्लोबल वार्मिंग हमने पहले डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।